नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकानों पर रेड डाली है। ये कार्रवाई फॉरेन फंडिंग के मामले में यूएपीए के तहत जारी की है। स्पेशल सेल ने मंगलवार यानी आज सुबह सुबह एक साथ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में रेड मारी है। बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाई 30 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ चल रही थी। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया जिन्हें स्पेशल सेल में लाया गया है। रेड के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त कर लिए। इसके अलावा हार्ड डिस्क का डेटा और कई तरह की फाइलें भी जब्त कर ली है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। यूएपीए के तहत चल रहा इस रेड में स्पेशल सेल के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। रेड के दौरान इसमें स्पेशल सेल के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी हैं। जिन पत्रकारों के यहाँ छापा मारा गया है उनमें प्रमुख रूप से प्रबीरपुर कायस्थ, संजय राजौरा, रुमिलेश भाषा सिंह परेजा और इस तरह के और भी कई तमाम जो पत्रकार हैं उनके यहाँ रेड पड़ी है और ये सभी न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े हुए हैं। अभिसार शर्मा नोएडा और उर्मिलेश गाजियाबाद में रहते हैं। इनमें से कई पत्रकारों ने ट्वीट कर बताया कि पुलिस उनके घरों में रेड डाली है और उनके मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप दिल्ली पुलिस? गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है? जो लोग आपसे सवाल पूछे, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। एक फासिस्ट स्टेट की जितनी उसके अवयव होते हैं सब आप में विद्यमान है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं आप? अगर मैं आपातकाल के उस छोटे से दौर को छोड़ दूं, आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना करने वालों के प्रति इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण वेंडेटा की कार्रवाई नहीं की है। कौन कौन नाम है, कितना लंबा उनका करियर है, किस तरह से उन्होंने एक चिंतक के रूप में, ना सिर्फ पत्रकार के रूप में, उर्मिलेश जी हों, सोहेल हों, अभिसार हों, प्रबीरपुर कायस्थ हों, भाषा हों, कितने कितने नाम है, अनिंद्यो हों, क्या है गुरेज, क्या है? ये कोर्निस नहीं कर रहे हैं आपके सामने, जी हुजूर जो हुजूर नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि राजा तेरे सुबह की जाए, राजा तेरे शाम की जाए, क्योंकि इनको प्रजा से मतलब है, लोकतंत्र में लोक से मतलब है और आपको तंत्र से मतलब है। लेकिन यकीन मानिए, मैं आज की ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पर होगा। और हम जान रहे हैं एक और बात कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से, आपकी चूल्हे हिली हुई है, जमीन खिसक रही है, आज आपने ये कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की छापेमारी 17 अगस्त को यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत की जा रही थी। इस एफआईआर में दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश रचने की धारा भी जोड़ी गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस उस इनपुट के आधार पर एक्शन ले रही है जो ईडी ने साझा किया था। ईडी की जांच में 3 साल के अंदर 38.5 करोड़ रुपए फेक विदेशी फंड का खुलासा हुआ है। ये पैसे गौतम नवलखा और तिस्ता सित्रवाड़ा के सहयोगी के अलावा कई पत्रकारों को दी गई थी। इन पैसों के लिए लेन देन का खुलासा ईडी की जांच में हुआ था। इसमें एफडीआई के जरिए 9.59 करोड़ रुपए और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले 28.46 करोड़ रुपए देने की बात सामने आई थी। चीन से आया पैसा कुछ विदेशी फर्मों के माध्यम से न्यूज क्लिक तक पहुंचा। यही पैसा न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों को भी दिया गया था। दरअसल साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक को मिली थी। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रमोटर को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। बता दें कि 1 महीने पहले लोकसभा में भी न्यूज क्लिक का
मुद्दा उठा था। 7 अगस्त 2023 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है। निशिकांत ने मीडिया पोर्टल पर चाइनीज फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया था। और इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि द न्यूयॉर्क टाइम जैसे अखबार भी स्वीकार कर रहे हैं नेविल रॉय सिंघम और उनका न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरनाक हथियार हैं और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं। और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।